महाशिवरात्रि के अवसर पर शहर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से पचमठा में एक बैठक हुई संपन्न। महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रतिवर्ष शहर में धूमधाम से भगवान शिव की बारात निकाली जाती है, जिसमें भगवान की झांकी के साथ ही भक्तों को संगीतमय भजन का भी आनंद मिलता है, जिसकी तैयारी के लिए रविवार को शिव बारात आयोजन समिति के द्वारा पचमठा में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में महाशिवरात्रि के अवसर पर होने वाले आयोजनों और भंडारे की रूपरेखा तैयार की गई। बारात का टाइम 9 बजे, जितने लोग आए हैं उस दिन देवों के देव महादेव का है और उस दिन सोमवार का दिन है। इस धाम के सूरज को कौन चला रहा है, हवा कौन दे रहा है, सूर्य कहां से आ रही है, प्रकाश कौन दे रहा है, सांस कौन चला रहा है, आपको नहीं मालूम है। सभी लोग, ज्यादा नहीं कहता मैं, दो दो लोग, तीन तीन लोग, सात परिवार उस बारात में आप सभी को इतना वादा हमारी मंडली कराती है। जितने शिव भक्त के सदस्य हैं, कोई भी महिलाओं को धक्का मुक्की अगर होती है उसकी पूरी जवाबदारी शिव बारात आयोजन समिति लेती है। इसलिए आप लोग सभी लोग सात परिवार में और सब लोग एक साथ 9 बजे टाइम पे आने का कष्ट है। उस दिन चौका चौका बर्तन खाना पीना भोजन द्रौपदी सुहारी सहित बंद कर दिया। वह दिन सब लोग परात्मा शामिल हुई। मैं नहीं जानता कितने लोग स्वागत करते हैं, कम से कम 101 लोग परात में परात के लोग स्वागत करते हैं। आप एक झोला लेके चलेंगे, वह झोला भर जाएगा।